न्यायालय परिसर में शनिवार की स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जहां न्यायाधीशों, अभिभावकों एवं पक्षकारों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया, वहीं स्वेच्छा से रक्तदान भी किया। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में बारिश का मौसम है, वायरल बीमारियों की चपेट में आने से पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। समय पर बीमारी की रोकथाम हो और सभी की सेहत अच्छी बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है एवं जिला अस्पताल में रक्त की कमी की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसे पूरी करने में सहयोग के उद्देश्य से रक्तदान भी किया जा रहा है। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक, न्यायाधीश एवं पक्षकार मौजूद थे। आज न्यायालय परिषद खरगोन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे सीएमएचओ साहब का जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा लक्ष्य है, जिस तरह से बरसात के कारण काफ़ी लोगों में जो है स्वास्थ्य में उनके विपरीत प्रभाव आ रहा है, कुछ लोग वायरल बुखार से भी पीड़ित हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार यहाँ पर आज हमारे सभी पक्षकारों का, अधिवक्तागण का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी आज होना है और उसके साथ ही हमने लक्ष्य लिया है कि आज अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान सब करें, ताकि रक्त की जो कमी बीच बीच में देखने आ रही है उसमें जो है एक महत्वपूर्ण योगदान हम लोग दे सकें। तो आज हमारे सीएमएचओ साहब डॉक्टर चौहान साहब की पूरी टीम यहाँ पर सक्रिय है, हमारी सीजीएम मैडम हैं और सारे कर्मचारी सब जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं और अधिक से अधिक रक्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और इसके अलावा भी कुछ जैसे हो गया फिर रक्तदान इसे? नहीं, रक्तदान के अलावा पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होगा जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या जाँचें आज होनी हैं। चेकअप भी रखा गया है, इसमें हम पैथोलॉजिकल जांच और ईसीजी भी करवाएंगे जिनको आवश्यकता होगी, जिनका ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया हुआ, शुगर वगैरह बढ़ी हुई है, उनका भी हम चेकअप करेंगे, क्योंकि जो है ना 30 साल के बाद जो हमारी जो अभी एनसीडी जो अभी क्लिनिक हमारे सभी दूर चल रही है और 30 साल के बाद में जो बीमारियाँ जो होती है, जो ब्लड प्रेशर और शुगर, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमने हेल्थ चेकअप भी रखा है ताकि कोई भी हमारे जो प्राइमरी लेवल पर ही उसकी जाँच हो। रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रक्तदान करें, ताकि हमारे जो क्षेत्र में है, जो ट्राइबल एरिया है, जिलिया, बिल्कुल भगवानपुरा, सेगांव, उसमें रक्तदान जो गर्भवती माताएं जो आती हैं उनके उनकी उनमें जो है ना मोडेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हम क्या है कि जो डिलीवरी में जो ब्लडिंग, जो ब्लड लॉस जो होता है, उसकी पूर्ति के लिए हम उनको रक्त देने के लिए जो शिविर जो लगता है उससे उनको फायदा मिलेगा। खरगोन में लगातार ब्लड बैंक में रक्त की कमी हुई थी, उसको लेकर उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन तब तक चलते रहेगा। हमारे यहाँ पे जो खरगोन में रक्तदान बहुत ही ज़्यादा होता है, एमवाई के बाद हमारा एक जिला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बहुत सारी बीमारियाँ, मतलब जो है ये हमारी जो ट्राइबल होने के कारण हमको रक्तदान की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारे रेगुलर रक्तदान होता रहेगा तो हम उनकी जान को बचा सकते हैं। खरगोन से यूनिवर्स के लिए ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।